भाई साहब आप देख सकते हो कि हमारा 3D प्रिंटर ने कितनी अच्छी तरीके से 3D प्रिंट किया है। ये है हमारा नया 3D प्रिंटर जो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर यहाँ पर इसको अनबॉक्स करा था और असेंबल भी करके दिखाया था। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि 3D प्रिंटर कैसे काम करता है। अगर आप 3D प्रिंटर परचेस करना चाहते हो तो आपको किस टाइप का 3D प्रिंटर लेना चाहिए, 3D प्रिंटर को ऑपरेट कैसे करते हैं, 3D प्रिंटर को लेना सही है या फिर गलत है। लोग बाग वीडियो के अंदर काफी तारीफ करते हैं 3D प्रिंटर की, 3D प्रिंटर लेने के बाद क्या हमारा फायदा होगा या फिर नुकसान होने वाला है, और 3D प्रिंटिंग कैसे करते हैं वो सारा का सारा डिटेल मैं आपको इस वाली वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। तो चालू करते हैं फटाफट से इस वाली वीडियो को इस इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेरे पास कौन सा 3D प्रिंटर है। मेरे पास है यहाँ पर इल्गो का नेपट्यून 3 मैक्स। इसको मैंने हाइड्रोटेक 3D चेन्नई से परचेस किया था। ये इनकी एक वेबसाइट भी है जहाँ पर आपको सभी टाइप के 3D प्रिंटर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इससे 3D प्रिंट करवा के देखेंगे और 3D प्रिंटिंग कैसे करते हैं वो सब यहाँ पर जानते हैं। तो गाइस अब यहाँ पर 3D प्रिंटिंग करने के लिए हमें एक तो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप लेना होगा। अब भाई हमें दो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ने वाली है। पहला तो जो हमारा 3D मॉडल बनाएगा जो कि हम सॉफ्टवेयर के अंदर बनाएंगे, और दूसरा है जो स्लाइसर जो हमारा 3D मॉडल बनाया ना जिस सॉफ्टवेयर के अंदर, उससे उठाकर उस फाइल को हमें डालना होगा स्लाइसर के अंदर, और वो स्लाइसर क्या करेगा उसको स्लाइस में कन्वर्ट कर देगा और एक जी कोड फाइल बनाएगा। उसको डालना होगा आपको मेमोरी कार्ड के अंदर, और इस मेमोरी कार्ड को डालेंगे हम अब यहाँ पर 3D प्रिंटिंग के अंदर। अब ये दो सॉफ्टवेयर जो है ना कोई भी आप यूज कर सकते हो, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो 3D मॉडल के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें, के अंदर फ्री कैड आ जाएगा, स्केचअप आ जाएगा, इस टाइप के आप ले सकते हो। और स्लाइसर के लिए मैं जो यूज करता हूँ प्यूरा स्लाइसर का यूज करता हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको कौन सा वाला चाहिए, और इसका ट्यूटोरियल जो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे कि इनको कैसे यूज करते हैं। अब हमें यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड लेना होगा जो कि हमें 3D प्रिंटर के साथ में ही मिलता है। अब हमें मेमोरी कार्ड को 3D प्रिंटर के अंदर यहाँ पर डालना होगा। अब हमारे 3D प्रिंटर को हमें ऑन करना होगा। यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई दे दी 220 वोल्ट की वाली। अब हमारा 3D प्रिंटर ऑन हो चुका है और इसको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास एक डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले से हम इसको पूरा सिस्टम को ऑन करेंगे और इसको कमांड देंगे ये 3D प्रिंट करेगा। अब इसमें 3D प्रिंट करने से पहले हमें कुछ काम करना होगा इस मशीन के साथ में। ये वाला जो सिस्टम दिख रहा है ये हीट बेड है जिसके ऊपर हमारी पूरी 3D प्रिंटिंग होती है। हमें सबसे पहले इसको यहाँ पर बेड लेवलिंग करना होगा। बेड लेवलिंग करना क्यों जरूरी है आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ 3D प्रिंट कर रखा है, इसके बारे में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो प्रिंट है बिना बेड लेवलिंग के किया हुआ था, और ये जो है बेड लेवल के बाद में किया गया। इन दोनों पे जो बेस दिख रहा है आपको, इन दोनों में आपको काफी अंतर दिखेगा। अगर आपकी फर्स्ट लेयर खराब आती है तो आपका जो प्रिंट है वो बेड से उखड़ सकता है प्रिंट के दौरान। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर लेवलिंग पे ऊपर क्लिक करना है। इस मशीन के साथ में ऑटो बेड लेवलिंग का सिस्टम दिया गया है, मतलब ये जो है ऑटोमेटिक बेड लेवल को कर देगी। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर आपको नीचे की साइड में जो आप देख सकते हो ये नो पिन को आपको एडजस्ट करके इसको पूरा बेड लेवल करना होगा, जो कि काफी ज्यादा बोरिंग सा काम है और काफी टाइम भी लगता है। अब यहाँ पर इसका लेवल करते हैं। यहाँ पर लेवल पे क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे, यहाँ पर ये सबसे पहले जीरो पोजीशन पे जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो आपके दो ऑप्शन दिखेंगे, मैनुअल के अंदर आप यहाँ पर इसका मैनुअल भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर ये ऑटोमेटिक करे तो मेजरिंग पे जाकर यहाँ पर ओके कर देंगे। तो फाइनली अब यहाँ पर ऑटो बेड लेवलिंग चालू हो चुकी है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमारा बेड भी गर्म होगा और जो हमारा इसके अंदर एक्सट्रूडर भी गर्म होने वाला है। फाइनली गाइस यहाँ पर हमारा जो ऑटो बेड लेवलिंग का सिस्टम चालू हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा एक्सट्रूडर है इसके नीचे के साइड में एक सेंसर लगा हुआ है जो कि ऊपर नीचे होकर हमारे पूरे बेड को यहाँ पर कवर करेगा और यहाँ पर इसकी पूरी ऑटो बेड लेवलिंग कर देगा। अब भाई हमारा जो बेड लेवलिंग हो चुका है, अब यहाँ पर इसे हम प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पर हम प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो आपकी फाइल है उस फाइल के ऊपर आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पर ये प्रिंटिंग चालू कर देगा। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर ओके। अब यहाँ पर हमारा जो है पैनल पूरा का पूरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हो जैसे आप क्लिक करोगे तो हमारा प्रिंट अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर हीट बेड है वो भी यहाँ पर गर्म होगा, और यहाँ पर जो हमारा फिलामेंट के लिए जो नोजल है वो भी गर्म होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आप इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर इसको रोक सकते हो प्रिंटिंग को, यहाँ पर स्टॉप कर सकते हो, और यहाँ पर जो है इसके अंदर एक LED का ऑप्शन आ रहा है। इस प्रिंटर के अंदर हमारे एक LED भी लगी हुई है, क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर की साइड में लगी हुई है यहाँ पर। तो भाई ये जो ऑप्शन है बहुत कम में आता है, तो इसके अंदर ऑप्शन है तो यहाँ पर इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक लाइन और दिखेगी जिसके अंदर हमें परसेंटेज में दिखाएगा कि हमारा जो प्रिंट कितना परसेंट हो चुका है। अब टाइम की बात कर ली जाए कि इसमें कितना टाइम लगेगा, तो उसके अंदर ये है कि 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है। आपकी फाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फाइल कैसी है, आप किस टाइप का यहाँ पर प्रिंटिंग करवा रहे हो। कभी कभी इसके अंदर 1 दिन 2 दिन भी लग सकता है। तो लीजिए भाई हमारी 3D प्रिंटिंग यहाँ पर चालू हो चुकी है। अभी यहाँ पर जो है फर्स्ट लेयर बन रही है नीचे के साइड में। अब यहाँ पर जो इसका स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर ये प्रिंटिंग होता जाएगा, और हमने जो यहाँ पर फाइल दी थी उसका पूरा का पूरा 3D में मॉडल बना देगा।
तो भाई अपना 3D प्रिंटर तो यहाँ पर काम कर रहा है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप 3D प्रिंटर परचेस करना चाहते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरा 3D प्रिंटर है इसके फीचर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। 3D प्रिंटिंग के अंदर बहुत सारा टाइम लगता है, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं रात को लगाकर सो जाते हैं, और उस दौरान अगर हमारा फिलामेंट खत्म हो गया तो हमारा मशीन तो चालू रहेगा और हमारा जो प्रिंटिंग नहीं होगा। भाई ये जो है काफी ज्यादा मजेदार सी चीज है। अब जैसे मान लीजिए ये क्या करता है कि यहाँ पर फिलामेंट खत्म हो जाता ना तो ऑटोमेटिक प्रिंटिंग को रोक देगा और यहाँ पर बता देगा कि फिलामेंट खत्म हो गया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर कट कर देंगे, तो इसको इसके पास फिलामेंट जाएगा नहीं तो यहाँ पर हमें पता लग जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको करके देखेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। फाइनली गाइस मैंने यहाँ पर इसको कट कर दिया, अभी यहाँ पर फिलामेंट हमारा जो है खत्म हुआ और यहाँ पर ये मशीन क्या करती है वो देखने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर अभी ब्लू कलर की लाइट लगी हुई है और ये फिलामेंट खत्म हो गया, अभी इसने खींच लिया पूरा अंदर, थोड़ा और बाकी है। फाइनली गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा फिलामेंट खत्म हो गया है और मशीन जो है अभी बंद हो चुकी है, मशीन जो है हमारा जीरो पोजीशन पे चला गया है। और यहाँ पर जो बीप की आवाज सुनाई दे रही है आपको, तो आप सुनिए यहाँ पर जो हमारे स्क्रीन के अंदर बीप का साउंड भी सुना रहा है और यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि फिलामेंट खत्म हो चुका है। तो हम यहाँ पर इसको कन्फर्म करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम नया फिलामेंट डालने के लिए बोल रहा है कि आप दूसरा फिलामेंट डाल दीजिए, खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है अनलोड और लिखा है लोड, अनलोड पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो फिलामेंट लगा हुआ है इसके अंदर ये निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको हम चेंज करेंगे, अब यहाँ पर मैं अनलोड पे क्लिक करता हूँ। फाइनली गाइस देख सकते हो ये फिलामेंट लगा हुआ है, ये धीरे धीरे करके बाहर की साइड में आ जाएगा, ये बाहर आ रहा है अभी। तो फाइनली गाइस देख सकते हो ये जो फिलामेंट हमने निकाल लिया है, अभी मेरे पास थोड़ा सा व्हाइट कलर का फिलामेंट पड़ा हुआ है, ये इसी मशीन के साथ में आया था, इसका यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लगा देंगे और डिटेक्टर के अंदर से इसको निकाल देंगे यहाँ से। फाइनली अब यहाँ पर क्या करेंगे हमारा एक्सट्रूडर जो है कि अंदर के साइड में इसको लगाना होगा। अब यहाँ पर हमारा जो है फिलामेंट हमने चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो स्टॉप का आ रहा है, कंटिन्यू का आ रहा है। अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारी प्रिंटिंग जहाँ से हमने बंद करी थी वहां से ये चालू हो जाएगी, स्टॉप का मतलब हमारी प्रिंटिंग अब रुक जाएगी। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे इसको, देख सकते हो भाई हमारे कंटिन्यू करते से हमारे जो 3D प्रिंटर है वापस से चला गया है और अभी ये जो वापस से जहाँ से इसने रोका था वहां से 3D प्रिंटिंग चालू कर देगा। तो फाइनली गाइस यहाँ पर ये चालू हो चुका है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा फिलामेंट खत्म होने के बाद जो हमारा फिलामेंट यूज हुआ था वो वापस से यूज हो चुका है। और अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हमने जो भी प्रिंटिंग करी है, जो भी हमारा फिलामेंट लगा सारा सारा बर्बाद हो जाता, जो भी हमारा टाइम था वो सारा सारा बर्बाद हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमारा टाइम, फिलामेंट सब कुछ बच चुका है। पहला तो इसके अंदर ऑटो बेड लेवलिंग का था, दूसरा इसके अंदर जो फिलामेंट डिटेक्टर है, तीसरा वाला जो है इसके अंदर जो रिज्यूम का सिस्टम। वैसे गाइज फिलामेंट का तो हमें सबको पता होता है कि ये कब खत्म होगा कब खत्म नहीं होगा, लेकिन गाइज इसके अंदर जो है ना लाइट जाने का जो हमें कोई भी पता नहीं होता कि लाइट कब जाएगी कब नहीं जाएगी। मान लीजिए कि आप इसके अंदर प्रिंट कर रहे हो और आपका 1 घंटा 2 घंटा हो चुका है और आपकी लाइट चली गई, तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे 3D प्रिंटर जो रुक जाता है और हमारा जो प्रिंटिंग है वो बर्बाद हो जाती है। लेकिन इसके अंदर एक ऑप्शन दिया गया है रिज्यूम का, अगर मान लीजिए लाइट चली गई तो ये रुक जाएगा, जब लाइट आएगी ऑन होगा तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने जहां प्रिंटिंग रोकी थी वहां से चालू करना है, तो वापस चालू हो जाएगा। अब यहां पर इसको ट्राई करते हैं। तो मान लीजिए गाइस अभी यहां पर हमारा जो है 3D प्रिंटर चल रहा है, अब यहां पर मैं लाइट को बंद कर देता हूं इसके अंदर, तो मैंने ये बंद कर दिया है, ठीक है भाइयों। देख सकते हो हमारा 3D प्रिंटर रुक चुका है, अब यहाँ पर हमारी लाइट चली गई मान लीजिए, अब यहाँ पर वापस लाइट आएगी, हमारी लाइट आ चुकी है, अभी वापस हमारा 3D प्रिंटर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हो कि जैसे हमने इसको ऑन करा तो यहाँ पर हमारा जो है बता रहा है कि आपने जो प्रिंट कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखना है या फिर कैंसिल करना है, तो हम यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पर वापस हमारा फिलामेंट जो है वो ठंडा हुआ है तो उसको गर्म करेगा, बेड को भी थोड़ा टेम्परेचर पर लाएगा, उसके बाद ये वापस से जहाँ पर रुका था वहां से चालू कर देगा इसको। तो देखते हैं यहाँ पर ये चालू होता है या फिर नहीं होता है। तो फाइनली गाइस यहाँ पर इसने प्रिंटिंग वापस चालू कर दी है, अभी यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रिंट नहीं करेगा, पहले जाएगा ये जीरो पोजिशन पे, उसके बाद वापस से हमारा जो प्रिंटिंग थी वहां पर जाएगा। तो वापस से देख सकते हो जहाँ से ने बंद करा था वहीं से इसको चालू कर दिया प्रिंटिंग करना। भाई साहब आप देख सकते हो कि हमारा 3D प्रिंटर ने कितनी अच्छी तरीके से 3D प्रिंट किया है। अगर हम यहाँ पर जो है फिलामेंट का एक ही कलर रखते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि कहाँ पर हमारा फिलामेंट खत्म हुआ था।
तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक पेन होल्डर है और ये मैंने 3D प्रिंट किया है और ये पूरा पूरा टोटली घर पे बनाया हुआ। इसी टाइप से जो है भाइयों, आप कुछ भी बना सकते हो, आपके जो माइंड में है ना वो सारा का सारा आप बना सकते हो कुछ भी। तो भाइयों अगर मेरा ओपिनियन लिया जाए कि 3D प्रिंटर सही है या फिर नहीं, तो मेरा जहां तक हुआ कि 3D प्रिंटर जो है काफी अच्छी चीज है। इससे आप कुछ भी बना सकते हो, जो भी आपके माइंड के अंदर है वो आप बना सकते हो। जैसे आपको ड्रोन बनाना है अपने कस्टम डिजाइन वाला और उसको फ्रेम चाहिए, आप मार्केट में कहीं से नहीं ले सकते हो क्योंकि आपकी कस्टम डिजाइन की फ्रेम आपको मिलेगी नहीं, तो वो आप यहाँ पर घर पे जो है इसका पूरा का पूरा बना सकते हो। और जैसे मान लीजिए कोई रोबोट बना रहे हो, आपके दिमाग में कोई क्रिएटिव आइडिया है, आपको रोबोट बनाना, कुछ भी बनाना है, तो आप इस 3D प्रिंटर से बना सकते हो। तो फाइनली गाइस ये था हमारा सारा का सारा 3D प्रिंटर के बारे में। अगर आप 3D प्रिंटर लेना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि फोटो बेड लेवलिंग होना चाहिए, फिलामेंट डिटेक्टर होना चाहिए और रिज़ूम का जो ऑप्शन है वो तो 100% होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ऑप्शन वो नहीं है तो आपकी लाइट चली जाएगी, तो आपका 3D प्रिंटिंग बेकार हो जाएगी। तो फाइनली गाइस आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल बनो तो सब्सक्राइब कर लेना और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं इससे कौन सा प्रोजेक्ट बनाऊं आपके लिए 3D प्रिंटिंग वाला।